हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और आज है सैटरडे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन। एक्चुअली इससे पहले भी मैंने एक नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन वीडियो बनाया था, बट उसमें मैंने अपना क्लीनिंग रूटीन इतना डिटेल में शेयर नहीं किया था। तो आज के वीडियो में मैं डिटेल में अपना क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड बना रहे हैं हमारे लिए शाम की कॉफ़ी। बच्चों को मैंने स्नैक्स ऑलरेडी दे दिया है, वो आराम से बैठ के अपना स्नैक खा रहे हैं और हम भी अपना कॉफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो आज हम गए थे इंडियन स्टोर फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, और हम लोग फूड लाइन भी गए थे, तो वहाँ से भी हम कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करके आए हैं। तो कॉफ़ी पीने के बाद मैं वो सब ग्रॉसरी के सामान को मुझे फ्रिज में रखना है, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ हम इन्जॉय कर रहे हैं अपनी शाम की कॉफ़ी। एक्चुअली जब हम आज इंडियन स्टोर में गए थे तो मैंने देखा था कि उनके मेन्यू में पाव भाजी भी है, और काफ़ी दिनों से मैंने पाव भाजी नहीं बनाया घर पर। तो और मैंने सोचा कि चलो एक हम वन पोर्शन पाव भाजी भी ले लेते, मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। तो हम वहाँ से एक पोर्शन पाव भाजी लेके आए हैं, और मैंने सोचा हम चाय के टाइम पे छोटा सा नाश्ता की तरह कर लेंगे। सो दोस्तों, ये है हमारी ग्रॉसरी जो हमने आज की है। तो इसमें सारे जो सामान आपको दिखाई दे रहे हैं वो ज़्यादातर फूड लाइन और इंडियन स्टोर से है। एक्चुअली हमें इस घर पे शिफ्ट हुए सिर्फ 6-7 महीने हुए, उससे पहले हमारे आसपास कोई इंडियन स्टोर नहीं था। तो हमारे यहाँ शिफ्ट होने के 15 दिन के बाद ही हमें पता चला कि यहाँ न्यू इंडियन स्टोर ओपन हुआ है, वरना हमें आधा घंटा दूर जाना पड़ता था इंडियन स्टोर से कुछ लाने के लिए। बट लकीली अभी हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस में इंडियन स्टोर है, तो हमें सारी इंडियन ग्रॉसरी वहाँ से मिल जाती है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या ख़रीदा है। यह है पीडियाश्योर, जो मैंने आप सबको बताया था कि मैं किकी को आजकल ये पीडियाश्योर दे रही, जो इसके डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया था। तो मैं पहले किकी को दिन में बस एक बॉटल देती थी पीडियाश्योर का, बाकी टाइम वो होल मिल्क ही लेती थी। बट दिस टाइम डॉक्टर विजिट में डॉक्टर ने बताया कि एटलीस्ट 2 से 3 बार मैं उसे ये बॉटल दे सकती हूँ। बट मैं सोचूँ कि एटलीस्ट 2 टाइम मैं उसे ये वीडियो शॉट दूँगी, तो इसलिए इस बार मैं ज़्यादा लेके आई, नहीं तो मैं बस एक ही ये एक पूरा बंच लेती थी। बट इस बार मैं 2 लेके आई हूँ, और ये मैंने फूड लाइन से ही लिया है। तो श्रेयास को पास्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इस टाइम मैं ये पास्ता लेके आई हूँ फिर से ट्राई करने के लिए कि वो खाएगा या नहीं, पता नहीं। बट आई थिंक किकी को मैंने नोटिस किया कि मैंने उसे एक बार बना के दिया था तो वो उसने खा लिया था, तो मैं सोची थी कि इस बार मैं किकी के लिए बनाऊँगी। एंड बनाना वगैरह मेरे घर पे रहता ही है, क्योंकि मेरे बच्चे पैनकेक वगैरह बहुत खाते हैं, तो उनके लिए मुझे बनाना चाहिए होता है, मैं बनाना पैनकेक ही बनाती हूँ। और ये है कॉर्न, जो कि हमने फूड लाइन से ही लिया है। लास्ट टाइम मैं इंडियन स्टोर से कॉर्न लेके आई थी, और श्रेयास को मैंने बॉईल करके दिया था तो उसने बहुत अच्छे से खा लिया। तो मैंने इस बार मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लेके आई हूँ। मैंने सोचा अगर वो खा रहा है तो उसे मैं स्नैक वगैरह में या फिर ब्रेकफास्ट के टाइम में बॉयल करके उसको ये दे सकती हूँ। एंड ये है, ये आप लोग मुझे बताना आप लोग उसको क्या बोलते हो। आई थिंक इसको टपियोका बोलते हैं, और या फिर इसको युका बोलते हैं आई थिंक। तो लास्ट वीक जब हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग पे गए थे इंडियन स्टोर पे, तो हमने एक छोटे साइज़ का एक ये भी लिया था, और मैंने उसे बॉईल करके किकी को खिलाया था, तो उसने बहुत अच्छे से खा लिया। तो मुझे लगा कि चलो इस बार तो हमें ज़रूर से ये लेना ही है, और मैं थोड़ा बड़ा लेके आई उस बार ताकि मैं किकी को दे पाऊँ। तो मैंने किकी को एक्चुअली मैंने स्वीट पोटैटो वगैरह बॉईल करके देने की कोशिश की, बट उसे स्वीट पोटैटो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये वो बहुत अच्छे से खा ले रही है, तो इसलिए मैंने ये किकी के लिए लिया हुआ है। और मैं इसको मेनली ये ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही देती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं इसको एक बॉयल्ड एग दे देती हूँ, और ये एक थोड़ा सा काट करके मैं इसको बॉयल करके फिर से देती हूँ। और ये मखाना, ये भी मैं किकी के लिए लेके आई हूँ। किकी के लिए मैं मखाना और थोड़े से आलमंड और वॉलनट वगैरह डाल के इसका पाउडर बना लेती हूँ। उसके बाद मैं हफ्ते में 1 या 2 बार इसे इसका उस पाउडर का थोड़ा पोरेज टाइप का बना के केक को देती हूँ। और ये है रोस्टेड चना, ये सब मैंने इंडियन स्टोर से ही लिए हैं। रोस्टेड चना मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड को पसंद है, उन्हें ये स्नैक के टाइम में मंचिंग करना पसंद है, तो ये उनके लिए है। और ये है हमारा होल मिल्क,
तो हमारे टी के लिए या कॉफ़ी के लिए हम ये मिल्क यूज़ करते हैं। किकी के लिए मैं नॉर्मली होल मिल्क ये A2 मिल्क यूज़ करती हूँ। मैंने सुना है कि ये बहुत ही अच्छे अच्छा मिल्क अच्छे ब्रांड का है, तो इसलिए मैं किकी के लिए ये मिल्क यूज़ करती हूँ। और श्रेयास को हम उसके डॉक्टर ने कहा था कि उसे लो फैट मिल्क देने के लिए, तो वो हमारे पास ऑलरेडी है अभी, तो मैंने वो नहीं ख़रीदा है। और यहाँ पर ये रैंडम से रेगुलर स्टफ़ हैं, थोड़े से जुकनी बच्चों के लिए, बच्चों को मैं आप मुझे देखेंगे मेरे मैक्सिमम वीडियो में जो भी मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ उनके खाने में मैं मैक्सिमम जुकनी और कैरेट का बहुत यूज़ करती हूँ। तो यह जुकनी बच्चों के लिए और टमाटर ये भी ये सब भी नो मंचिंग का मैं हमने अपने मतलब मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया, वही ज़्यादा खाते हैं सब स्नैक वगैरह में स्नैक के टाइम पर। और वही यहाँ पर स्वीट पोटैटो हमने लिया, ये भी हमने इंडियन स्टोर से ही लिया है। श्रेयास को स्वीट पोटैटो पराठा बहुत पसंद है, तो मैं स्वीट पोटैटो ज़्यादातर मैं पराठों में ही यूज़ करती हूँ। एंड और ये केचप, मैगी केचप आप देख सकते हैं, मेरे बच्चों को यहाँ का केचप बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि उन्हें बहुत सॉर लगता है, तो ये मैगी केचप थोड़ा सा स्वीट होता है तो श्रेयास अच्छे से खा लेता है। तो अब मैं पहले फ्रिज को साफ़ करूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं जो भी सामान फ्रिज में रखने वाले हैं मैं उन्हें फ्रिज में रख लूँगी। तो सबसे पहले मुझे अपना फ्रिज क्लीन करना है आज। सो जब भी मैं ग्रॉसरी लेके आती हूँ मुझे मैं सबसे पहले फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी पुराने सामान हैं उसे अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे मैं उसके फ्रंट में रख देती हूँ, और अगर मुझे इसको ट्रेस करना है तो फिर मैं उसको ट्रेस कर देती हूँ। तो पहले मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं जो भी सामान फ्रिज में रखना है उसके बाद उन्हें फ्रिज में रखूँगी। सो फ्रिज को मैं पूरा अंदर से वाइप करके क्लीन करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ। अब इसी पानी में मैं एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ सोक करके उसे स्क्वीज करके फिर उससे मैं फ्रिज को पूरा अंदर से क्लीन करूँगी। तो चलिए पहले हम फ्रिज क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद सारे सामान को हम अंदर रखेंगे। सो यहाँ सबसे पहले मैं फ्रिज में रखे हुए सारे सामान को निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं इन्हें गीले कपड़े से वाइप कर लूँगी और फिर मैं सामान को अंदर रखना स्टार्ट करूँगी। सो यहाँ हमारे फ्रिज क्लीनिंग का काम हो गया है, तो अब मैं सारे धीरे धीरे सामान को फ्रिज के अंदर रखूँगी। जैसे कि ये मिल्क जो मैं आज लेके आई हूँ मैं उन्हें पहले पीछे की तरफ रख रही हूँ, और जो भी मेरे पुराने मिल्क के डब्बे हैं जो मुझे भी ख़त्म नहीं हुए हैं मैं उन्हें आगे की तरफ रख रही हूँ ताकि मैं उन्हें पहले यूज़ कर पाऊँ। तो ऐसे ही जो भी फ्रिज में जाने वाले सामान है सब्जियाँ टमाटर वगैरह जो भी है मैं उन्हें सारे उनके जगह पे फ्रिज में अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं जो फ्रिज का जो डोर वाला सेक्शन है उसके भी सारे सामान को निकाल के उन्हें अच्छे से वाइप करके दोबारा अरेंज करके रखूँगी।
सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फ्रिज को पूरी तरह से अच्छे से क्लीन करके सारे सामान को उनके जगह पे अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। अब ये जो भी बचे हुए सामान है ये सब पैंट्री में जाएंगे, तो मैं पहले इन्हें पैंट्री में रख देती हूँ। तो सारे सामान को अच्छे से उनके जगह पर रखने के बाद सबसे पहले मैं ये फ्रिज क्लीन कर लूँगी। ये स्टेनलेस स्टील में आपने नोटिस किया होगा फिंगरप्रिंट्स वगैरह ना बहुत दिखाई देते हैं, तो वो बहुत गंदे लगते हैं, तो ना मैं बार बार इसे वाइप करते रहती हूँ। और इसके बाद मैं ये काउंटर अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि ग्रॉसरी के सारे सामान यहीं पर रखे हुए थे, तो सबसे पहले ये एरिया क्लीन हो जाए तो यू नो अच्छा है। तो इसको मैं पहले अच्छे से वाइप कर लूँगी। तो अब मैं ये क्रीम चली जो आज मैं ग्रॉसरी में लेके आई थी इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी। सो एयर टाइट कंटेनर में रखने से पहले मैं इसके ना जो वो डंठल होते हैं उन्हें सब रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि अगर हम इसे नहीं रिमूव करते हैं ना तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है। उसमें ना एक वाइट वाइट सा फंगस टाइप का कुछ लग जाता है, बट अगर हम इसका ये डंठल रिमूव करके रखते हैं तो काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं। तो मैंने एयर टाइट कंटेनर में पहले एक पेपर टावल बिछा दिया है और उसमें मैं सारी यू नो डंठल रिमूव करके सारे चिली रखूँगी, फिर ऊपर से एक और पेपर टॉवल रख के उसे टाइट से ढक्कन मार के फ्रिज में रख दूंगी। सो आज चाय के समय हमने पाव भाजी खा लिया था, तो हस्बैंड कह रहे थे कि अब उन्हें बिल्कुल भूख नहीं है तो मैं उनके लिए डिनर ना बनाऊं। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ लाइट सा बना दूंगी जैसे नूडल्स या फिर सूप, बट उन्होंने कहा कि नहीं वो कुछ नहीं खाएंगे। तो फिर एक्चुअली हम लोग शाम को नॉर्मली इतना हैवी नाश्ता नहीं करते हैं, बट आज कुछ ज़्यादा हैवी हो गया था, हमने पाव भाजी खा ली थी, तो हमने सोचा कि चलो आज हम डिनर स्किप कर देते हैं। बच्चों के लिए मैं डिनर ऑलरेडी बना चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड साइड में उनको डिनर करा रहे हैं, बट इसमें मैंने वो वीडियो शेयर नहीं किया है क्योंकि अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ अपना किचन क्लीनिंग रूटीन ही दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने जितने भी शाम को बर्तन जूठे हुए थे नाश्ते शाम के इवनिंग स्नैक के टाइम में, वो सब मैं पहले धो लूँगी। जो बर्तन मुझे डिश वॉशर में लोड करने हैं उन्हें मैं डिश वॉशर में लोड कर दूँगी, और जो बर्तन मुझे जो पैन्स और पॉट वगैरह है उन्हें हाथ से धो के डिश रैक में यहाँ पर ड्राई होने के लिए रख दूँगी। सो बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद सबसे पहले मैं ये गैस के ना सारे बर्नर्स और जो भी ये रैक वगैरह हैं ये सब को निकाल के साइड में रख दूँगी, और उसके बाद एक डैम्प कपड़े से मैं गैस में जो भी खाना बनाते वक्त हमारा खाना थोड़ा छोटा मोटा थोड़ा खाना के पार्टिकल्स यहाँ वहाँ गिर जाते हैं वो सबको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ थोड़े से पानी के छींटे मार रही हूँ गैस में क्योंकि गैस अभी काफ़ी ड्राई है, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बेकिंग सोडा। मैं गैस नॉर्मली बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डिश सोप से ही क्लीन करती हूँ। सो मैंने चारों तरफ ये बेकिंग सोडा फैला दिया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें डिश वाशर सोप लिक्विड सोप डालूंगी, और उसके बाद एक स्क्रबर से इन्हें अच्छे से चारों तरफ फैला के इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूंगी। सो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ सोप वाटर, जिससे मैं पूरा काउंटर और कैबिनेट्स के डोर्स वगैरह क्लीन करूँगी। तो उसके लिए मैंने पहले टैप में से हॉट वाटर ले लिया है, थोड़ा सा हॉट वाटर में मैं एक वन और टू ड्रॉप के करीब डिश सोप डालूँगी और थोड़ा सा विनेगर डालूँगी, और इसी पानी से मैं पूरे काउंटर और पूरे कैबिनेट्स को क्लीन करूँगी।
सो हमने जो सोप वाटर बनाया था जिसमें मैंने विनीगर का भी इस्तेमाल किया था, तो उसी वाटर में मैंने अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ को थोड़ी देर भिगो लिया था, और उसके बाद उसे अच्छे से निचोड़ के स्क्वीज़ करके मैं इससे अपना पूरा कैबिनेट साफ़ कर रही हूँ। और जो ये कैबिनेट क्लीनिंग का काम भी है ना, ये मैं हर रोज़ करती हूँ बच्चों को सुलाने के बाद। सो दोपहर में मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है क्लीनिंग वगैरह में देने का, क्योंकि आपको पता है मेरे दोनों बच्चे घर पे ही रहते हैं, श्रेयस का स्कूल का प्रोसेस अभी चल रहा है, अभी उसका एडमिशन नहीं हुआ है, तो मुझे उन्हें बहुत टाइम देना पड़ता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा ध्यान यू नो क्लीनिंग में आफ्टरनून टाइम में नहीं दे पाती हूँ, तो मैं ये सब काम नाइट में ही करती हूँ बच्चों को सुलाने के बाद। और ऊपर से ये ओपन किचन है, तो जब भी कोई घर पर आता तो ना किचन सबसे पहले दिखाई देता है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं हर रोज़ रात को यू नो ये सब क्लीन कर लूँ एक बार। सो आप सबको याद होगा कैबिनेट क्लीन करने से पहले मैंने गैस में थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डिश सोप डाल के इन्हें ऐसे छोड़ दिया था। तो अब मैं इसे अच्छे से यू नो स्क्रबर से स्क्रब कर लूँगी, उसके बाद मैं इसे गीले कपड़े से अच्छे से वाइप कर लूँगी। उसके बाद मैंने माइक्रोवेव और ओवन को भी क्लीन कर दिया। माइक्रोवेव को मैं अंदर से साफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल ही इसे अंदर से अच्छे से क्लीन किया था, और ओवन को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो थोड़ा सा ही मैं बाहर से क्लीन कर देती हूँ और कभी कभी उसको अंदर से भी साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं डाइनिंग एरिया, बच्चों ने खाना खा के ना थोड़ा बहुत खाना बहुत नीचे डाला हुआ है, तो मुझे ये सब भी साफ़ करना है। तो अब मैं क्लीन करूँगी डाइनिंग यू नो डाइनिंग टेबल एंड चेयर। सो डाइनिंग टेबल को तो मैं दिन में 3-4 बार क्लीन कर ही लेती हूँ, यू नो वाइप्स वाइप वगैरह कर लेती हूँ। और जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बॉटल, उसमें भी कुछ केमिकल नहीं है, इसमें भी मैंने बस यू नो घर पर ही बनाया है, जस्ट थोड़ा सा पानी डाला हुआ है और थोड़ा सा विनीगर और 1 या 2 ड्रॉप मैंने सोप वाटर डाल के स्प्रे बनाया है। और इसी से मैं अपना यू नो डाइनिंग टेबल वगैरह और काउंटर वगैरह रेगुलरली इसी से क्लीन करती हूँ, मैं अलग से कोई केमिकल यूज़ नहीं करती सब क्लीन करने के लिए। तो यहाँ मैं डाइनिंग टेबल और चेयर को क्लीन करूँगी। डाइनिंग टेबल तो मैं दिन में 4-5 बार क्लीन कर ही लेती हूँ। जो चेयर्स हैं उसमें ना बच्चे अपने खाना खाते वक्त तेल के हाथ वगैरह ये सब लगा लेते हैं, तो ना उसमें ब्लैक कलर में थोड़ा तेल बहुत अच्छे से दिखाई देता है, तो मैं चेयर को भी अच्छे से ना हर दूसरे दिन क्लीन कर देती हूँ, हर रोज़ नहीं करती बट हर दूसरे दिन उसको वाइप कर देती हूँ। और किकी का जो बूस्टर चेयर है उसे तो मैं यू नो हर मील के बाद क्लीन करती हूँ अच्छे से। सो वाइपिंग का सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं कर रही हूँ ये जो गैस के जो रैक होते हैं उसे साफ़ कर रही हूँ। तो आज मैं इसे पूरे अच्छे से स्क्रब करके पूरा वॉश करूँगी, बट ये मैं रेगुलर मतलब हर रोज़ नहीं करती हूँ, हर तीसरे दिन या यू नो तीसरे दिन में करती हूँ, और बाकी दिन में बस इसको गीले कपड़े से थोड़ा सोप वाटर से अच्छे से वाइप कर देती हूँ, अगर कुछ तेल वेल लगा हो या खाना गिरा हो तो उसे अच्छे से पोंछ लेती हूँ। बट उसे अच्छे से स्क्रब करके पूरा वॉश मैं यू नो 2 या 3 दिन में एक बार ही करती हूँ।
सो अब मैं करूँगी सारे काउंटर को क्लीन। सो काउंटर में जो भी सारे सामान रखे होते हैं तो उन्हें उठा के मैं एक बार फाइनली वाइप कर लेती हूँ सबको। और इसके बाद मुझे करना है सिंक क्लीनिंग। सिंक क्लीनिंग भी मुझे हर रोज़ नाइट को सारा काम ख़त्म होने के बाद मैं सिंक भी अच्छे से स्क्रब करके क्लीन कर देती हूँ। और दिन में तो बस मैं उसे ऐसे रिंस कर लेती हूँ, बट नाइट को आई मेक श्योर कि सारे काम ख़त्म होने के बाद, मतलब वॉशिंग का सारा काम ख़त्म होने के बाद मैं सिंक को भी अच्छे से स्क्रब करके क्लीन कर लूँ। सो सिंक को स्क्रब करने के लिए भी मैं बेकिंग सोडा का यूज़ करती हूँ। बेकिंग सोडा और डिश सोप यूज़ करके अच्छे से स्क्रब कर लूँगी, उसके बाद इसे रिंस कर लूँगी। तो आप मेरे घर में मुझे देखेंगे ज़्यादातर मैं क्लीनिंग का जो भी स्क्रबिंग वगैरह का काम होता है वो ज़्यादातर बेकिंग सोडा और डिश सोप से ही करती हूँ। यहाँ तक कि मेरे बाथरूम के सिंक को क्लीन करने के लिए भी मैं बेकिंग सोडा और डिश सोप का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंक काफ़ी साफ़ हो गया, एकदम चमक गया है। तो अब मैं करूँगी पूरे घर में झाड़ू, और उसके बाद मुझे करना है मोप। और मोप भी मैं हर रोज़ ही करती हूँ, क्योंकि ना बच्चे वैसे डाइनिंग टेबल में बैठ के ही खाना खाते हैं, बट कभी कभी वो जब वो स्नैक्स खाते हैं और कभी कभी खाते खाते वो यहाँ वहाँ घूमने लग जाते हैं, स्पेशली श्रेयास तो यहाँ वहाँ भागने लग जाता है, तो ना उनके हाथों से खाना यहाँ वहाँ गिर ही जाता है, पूरे घर में फैल ही जाता है। तो इसलिए मैं हर रोज़ मोप का काम भी मैं हर रोज़ ही करती हूँ। तो अब हो गया है किचन क्लीन का सारा काम कंप्लीट। आप देख सकते हैं किचन एकदम नीट और क्लीन लग रहा है। रात को अगर आप किचन क्लीन करके सोते हैं तो सुबह की शुरुआत काफ़ी आराम से और अच्छे से हो जाती है। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं जा रही हूँ ऊपर फ्रेश अप होने के लिए। फ्रेश अप होके मैं आ गई हूँ नीचे, और मैं अभी कर रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी। अब मैं आराम से 1 कप गर्म पानी पीऊँगी बैठ के, और बैठ के मैं थोड़ा अपना एडिटिंग का काम करूँगी, जो भी मुझे वॉइस ओवर करना है या एडिटिंग करना है। बच्चे ऑलरेडी सो चुके हैं, हस्बैंड ने बच्चों को सुला दिया था, तो ये टाइम होता है जो मुझे थोड़ा अपने लिए मिलता है। तो इस टाइम में मुझे अकेले बैठना बहुत पसंद है, तो इसी टाइम में मैं अपना एडिटिंग का काम और जो भी मेरा वॉइस ओवर का काम होता है मैं वो कर लेती हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।